आज तो गया सर। सार्थक, इसकी तो अब जी आता है तो लग रहा कोई कोई भूत भूत तो एंट्री नहीं मार गया क्लास में सार्थक। सर वैसे ही भूत पकड़ा गया सर। सर वैसे भी एक नंदनपुर में एक मतलब पार्क में सर एक अपने हेलो, सर क्या भूत था क्या हेलो किसका? हाँ सार्थक सुनाई सर, दे आवाज रही। आ रही है सर? हाँ आ रही है भैया, आ रही है आपकी सर आवाज, आपकी आवाज आ रही है? सर नहीं आ रही, नहीं आ रही, फिर से आओ लौट के। हाँ आवाज सर, कहीं वो सही में ना चला जाए। चला जाए, मैं बोल रहा आ रही तो आ रही है, बेमतलब में लगा आ रही है कर रहा है क्यों सार्थक। मैं चला गया सार्थक। ओ भाई क्या कर रहा रे आज, तू गेट हो जाएगा भाई। वो भूत का केस क्या था, किसने डाला था वो क्या था वो? पता नहीं सर, ये प्रीति, कोई प्रीति ने डाला था सर ये। अरे वो मैम थी वो शायद। नहीं, मैं शिखर था। सर, आपको क्या लगता है प्रीति सर, आपके क्या विचार हैं सर? आप अपने विचार बताइए सर। ने, ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में, मैं तो दुनिया में रहा है सर यार। क्या हुआ सर? फालतू सर बातें, पुलिस पुलिस सब उसमें लिखा खड़ी भी था होती है सर, उधर। किसी ने वो किया सर मैं तुम्हें बताऊं, किसी ने, बदलेदार किसी किसी इंजीनियर ने हरकत करी है जी। नहीं आ रही। मैं बताऊं, किसी इंजीनियर ने हरकत करी है, वो उस मशीन को ऐसे ऐसे वो बोर्ड पर डाल दिया, मतलब कि वो ऊपर नीचे होती रही किसी को करने के लिए। आजकल नहीं फालतू बैठे ना सर, सर बहुत पर, देर तक जब करते रहते ना सर, अपने आप चलता रहता। कुछ तो किया गया उसमें, ऐसे नहीं हो सकता। सर इंजीनियर कौन था सर? इंजीनियर कौन था? सर सर हाँ सर सर, आ जाने कितने सवाल लगवा दिए सर। पांच छह हो गए, ये सटमा चल रहा है। सर सही सही बताइए सर। यार तुम लोग करो यार जल्दी सॉल्व, इसको सॉल्व हो गया सबको तो बताओ मेरे को जल्दी से। डन अरे सर बता तो दो सर, आप कितने सवाल लगवा हो गया चुके? सर, हो गया सॉल्व। वॉइस इज नॉट रीचिंग टू मी बेटा, मैं क्या करूं तुम्हें? तुम दोबारा दोबारा कनेक्ट करो अंकित, दोबारा कनेक्ट करो। सार्थक को भी दिक्कत हो रही थी, दोबारा कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करो अपने आप, कनेक्ट करो। सर मैं 8 मिनट से आपका इंतजार कर रहा, क्लास अब कनेक्ट हो रही होगी, अब कनेक्ट हो रही होगी, फिर मैंने सोम को फोन लगाया, उसके बाद आपको फोन लगाया, फिर हो गई सर। अंकित ने तुझे आईडी भेजी, अंकित ही गायब हो गया। अंकित ने भेजी, किसने भेजी थी? कह रहा मैं सर भेज सोम ने, दिया सोम सोम सर हंसी आती है तुम लोगों के साथ में, मेरे को क्या करते रहे समझ में नहीं आ रहा। चलो जल्दी एक करो चीज पूछे सर, जो मेरा क्वेश्चन भेज सर, अभी जो मेरा अभी अभी सॉल्यूशन नहीं। भेजे थे एकदम सही थे वो हाँ समय नोट कर लिया, आगे चले। सर, वो सॉल्यूशन सही थे? बेटा मैं हर टाइम चेक नहीं कर पाता हूँ, मेरी बात माना करो, मेरे पास हर टाइम टाइम नहीं होता। आज मैं कैमरे लगवा रहा था घर में, बाहर अच्छा सर, सीसीटीवी सीसीटीवी कैमरे मंगवाए मैंने, लगवाए बाहर, तो मैं यार बिजी रहता हूँ, कुछ ना कुछ काम वाम रहता है, मैं क्या करूँ। कैमरे अच्छा सर, कोई बात नहीं आज के बहुत जरूरी हो गए, जी सर। जैसे मैं अपने मम्मी पापा का एक लड़का हूँ तो मैं कैमरे लगवा के रहूंगा घर में, नहीं तो मैं रह नहीं सकता। यहाँ का दुनिया बहुत खराब हाँ सर, वैसे ही लॉकडाउन हो गया, लोग चोरी चपाटी करेंगे, मतलब है। कि धंधे काम हो गए ना सबके। यार तू काम करने दे कुछ यार। अलग सोच है। देखो इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, एक्स दी पावर 4। इसको इधर करेंगे तो क्या जाएगा? माइनस का 2x2। अब इधर क्या होगा? ये कट जाएगा भाई साहब, यहाँ क्या जाएंगे भाई साहब? एक्स का क्यूब भाई साहब आएंगे क्या? नहीं आएंगे, वो तो जीरो वैसे ही रखे हैं। और जे भी भाई साहब जीरो हो गए, ये क्या होगा इनका? अंकित अब आया, अंकित अंकित आ गया, क्या हो जाएगा? प्लस का 2x2 और जे माइनस का 5x+6, हो जाएगा ऐसा?
कि नहीं सर। इसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें माइनस टू से और करेंगे, माइनस टू से करेंगे तो टू टू जो फोर, टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का, और जे यहाँ से अगर इंक्लूड होगा तो ये हो जाएगा माइनस फोर, माइनस फोर, माइनस फोर यहाँ ले लेंगे अपन, यहाँ ले लेंगे माइनस फोर, ये तो कैंसिल हो गया, तो माइनस का फाइव एक्स प्लस का प्लस टेन, ये रिमाइंडर आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, नोट कर लो बेटा, जो करना है कर लिया सर, कर लो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.3 एक्सरसाइज, इसे कर लिया हो तो मेरे को बता दो, इन्फॉर्म कर दो भैया मैं आगे चलूं, मेरे को ऑर्डर दे दो मैं आगे चलूं। सर कर लिया सर, कर लिया सर, गर्मी यार बहुत हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है। सर एसी लगवा रहे हैं सर, रुकिए सर थोड़े दिन आप। एसी यार, एसी पता बहुत अच्छा भी है और फिर बहुत बेकार भी है, ऐसे कहीं निकल रहा हूँ दिक्कत है, घर में ही रहना हो तो बात अलग। सर मन नहीं करता फिर घर से बाहर जाने का। अच्छा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एसी बंद करके और कुदरत का मजा लो, बहुत अच्छी जिंदगी है। लेकिन एसी कुदरत अगर पढ़ाई करनी है तो बैठ जाओ थोड़ा एसी में, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बाहर निकल के आना तो घूमो फिरो थोड़ा बहुत, बहुत जरूरी है, घर में नहीं बैठना, उस कायदे से घर में नहीं बैठना, बस थोड़ा बहुत घूमना फिरना जरूर। अब जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन घर में मार ही डालेगा आदमी, तो घर ही मर जाएगा रह के, ऐसा लॉकडाउन चल रहा है। बेटा कोरोना के मरीज कितने हो गए झांसी में? सर अभी तो जीरो है सर, सर 10 है, आप कह रहे हैं सर 70 प्लस है सर, 70 प्लस है, ये सही कह रहे हैं, कंफर्म्ड केस सर 24 है, 70 प्लस है सर, 24 एक्टिव है, 24 एक्स स्क्वायर है, 24 आपको कोई भी न्यूज चाहिए सर, आपको कोई भी न्यूज की खबरें चाहिए हो तो सर ये वाली क्लास ज्वाइन कर लेना सर, कोरोना के मरीजों का सबका हाल चाल सबको देखभाल करके रखी है सर। 9 लोग मर गए, मर भी गए? यस सर। चलो ठीक है, मर गए तो भाई घर में बैठे हम, तो इससे अच्छा क्या करना है इसमें, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलीनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलीनोमियल फॉर द फर्स्ट पॉलीनोमियल। बताइए बेटा, मेरे को एक चीज बताइए, फर्स्ट समझ में नहीं आया। हाँ सेकंड फर्स्ट समझ में नहीं आया। अरे हम तो बैठे यार, हमने अभी स्टार्ट कर दिया, अभी तो शुरू किया है, अभी तो वो पिक्चर कौन सी है, अभी तो मैंने क्या किया है, स्टार्ट किया है या कहता है, इतनी जल्दी क्या है सर, बागी बागी, बागी क्या था, बागी में कैसे बोलता है, तो हाँ 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 ठीक है, तो वो कहता है अभी तो मैंने स्टार्ट किया, तो भाई अभी तो स्टार्ट हुआ है। देखो वो कह रहे हैं चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल, फर्स्ट पॉलीनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलीनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलीनोमियल। भैया उसने सीधा बोला है कि फर्स्ट पॉलीनोमियल क्या फैक्टर है सेकंड पॉलीनोमियल का, तो फर्स्ट पॉलीनोमियल कौन सा वाला है आपका, जे वाला है, सेकंड पॉलीनोमियल कौन सा है आपका, जे वाला है, तो ये क्या इसका फैक्टर है कि नहीं, हमें चेक करना है डिवाइडिंग करके सेकंड पॉलीनोमियल्स को बाय फर्स्ट पॉलीनोमियल से, बस ये करना है, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो फैक्टर है, और रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे, देखते हैं, चलो करते हैं, करके देखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा यहां पर 2t री पावर 4, इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 to the 6t square, ये आएगा ना, तो माइनस का 6t square, ये क्या आएगा हमारे पास, ये कट जाएंगे और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2t square माइनस माइनस का 60 स्क्वायर
माइनस का 2t स्क्वायर प्लस में 6t स्क्वायर तो ये जाएगा 4t स्क्वायर हो जाएगा या लिख लेंगे सर रिमाइंडर 0 आ रहा है सर रिमाइंडर 0 है बहुत अच्छी बात है आ रहा है हां सर प्लस में 3t का क्यूब ठीक है इसको नहीं आना बेटा वो देख लो थोड़ा सबको आ गया तो बहुत अच्छी बात है फिर मैं दीवारों को समझा रहा हूं कर लिया सर रिमाइंडर 0 आ गया सबका आ गया यस सर 3t से करेंगे इसको यस सर हां सर 3t क्यूब प्लस में 4t स्क्वायर क्यों माइनस 90 गलत कर दिया माइनस का 90 सर 3 का 9 90 आ जाए हां बेटा सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया ऊपर का नीचे का ये कट जाएगा ठीक है तो क्या जाएगा 4t स्क्वायर माइनस का 12 अब किससे करेंगे इधर पे प्लस 4 से 4 प्लस 4 से तो 4 t स्क्वायर माइनस का 4t का 12 तो यस क्या है ये जो है ये वाला पॉलीनोमियल सेकंड पॉलीनोमियल का फैक्टर है ठीक है ये मैं प्रूफ करना था मैं कर दिया यस सर समझ में आ गई हैंड प्रूफ सर हैंड प्रूफ बिल्कुल बेटा सर ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूं अभी उठाई मैंने आरटी सर का ये खत्म हो जाएगी पूरे एनसीईआरटी बोल देगी बस अब इससे आगे नहीं जा पाऊंगी मैं तो अपन फिर आरटी सर वाले के आएंगे आरटी सर में चलेंगे फिर आगे ठीक है एनसीईआरटी बोलेगी अब इससे आगे भी अपन से नहीं होगा तो फिर आरटी सर में आएंगे आरटी सर में आएंगे हम लेके चल रहे बच्चों को आगे एनसीईआरटी तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी लेकिन इतने भी नहीं करेगी जितनी आरडी शर्मा कर देगी बेटर हो अगर आप एनसीईआरटी ना उठा के डायरेक्ट आरडी शर्मा उठा लो बच्चों को यही सलाह दी जाती है यहाँ पर नहीं जो कोटा वगैरह के बच्चे होते हैं ना जो आईआईटी की तैयारी करने वगैरह जाते हैं उनको पहले से सलाह दी जाती है कि एनसीईआरटी छोड़िए आरडी शर्मा उठा लीजिए पहले करके दिखाइए इसको मेरे को क्या ये भी इसका फैक्टर है यस सर बेटा तुमने लगा रहे हो कि लगा लिए सर अभी अभी लगाया अभी भी लगाया अभी अभी लगाया वेरी गुड चलो और लगाओ सबके सब लगाओ सबके सब लगाओ डन सर बिल्कुल सबका हो गया डन कर रहे हैं सर बस एक मिनट सर ने बहुत जल्दी कर ली है पता नहीं कैसे भाई हो गया सर वेरी गुड क्या भेजना था आपकी आवाज चली गई थी फिर से मेरी आवाज फिर चली जाएगी फिर आ जाएगी फिर चली जाएगी ऐसी होता रहेगा मेरी आवाज अरे सर बताओ तो क्या भेजना क्या भेजा क्या हो गया बताओ बेटा क्या बात आप कुछ बोल रहे थे ना सिकंदर ने भेज दिया नहीं सिकंदर ने भेजा नहीं है मैंने कि सिकंदर ने सबसे पहले कर लिया बेटा ऐसा बोला है तब क्यों परेशान हो गए तुम अच्छा सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी पता नहीं अनंत देखो अभी इतनी लेट आ रहा है अनंत चलो अनंत ने एंट्री तो दी कम से कम कुछ काम से भी गया हो बच्चा आया तो है
कौन कौन नहीं आया आज? सगुन नहीं आया, सिर्फ सगुन नहीं आई। किस किस का नहीं आया? सार्थ शिखर बेटा बाकी में हो गया? पहले से लगा रखे? सही बताना शिखर। कर लिया सर, सही में अभी लगाया। अभी लगाया? यस सर। बहुत फास्ट लगाया। हो गया सर, हो गया सर। बुक खुली सर, वो बुक में क्वेश्चन दे रखे थे, तो आप जो क्वेश्चन दे रहे थे उसके पहले मैंने कर लिया था। चलिए, जैसे कि अभी मैंने थर्ड पार्ट भी कर लिया इसका। थर्ड पार्ट भी कर लिया? ओके, थर्ड पार्ट में क्या है? रिमाइंडर नहीं है ना सर? मैंने भी कर लिया। थर्ड पार्ट का नहीं है, थर्ड पार्ट का नहीं है। थर्ड चलो, रिमाइंडर टू है। इसका कितना आया बेटा? जीरो आया रिमाइंडर। चलिए भी आ रहा हूँ। यस सर। भरवाड़ी से नहीं करना, सबको आना चाहिए। क्यों आज आपका कहना तुम्हारा? ऋषि, रिमाइंडर आया बेटा? यस सर। यस यस सर। ये वाला क्वेश्चन लगा के दिखाइए, इसका रिमाइंडर क्या? रिमाइंडर टू आया तो कर ले। रिमाइंडर टू कर ले, दो कर ले, सबको कर ले। सब भाई बहन अपने भाई बहन है, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, है ना? अब देश प्राणों से प्यारा तो क्या करें हम? नीले नीले अंबर पर आज मेरा यार, मैंने बहुत क्लास ले ली और नेट मेरा आज इतना कम लगा, यानी कैसे? How it can possible यार? तक कैसे हो सकता है? मतलब सर आपका, अरे सर सर आपका सर कम लगा सर, यहाँ पे इतना ज्यादा लग गया कि दिवाली क्लास चल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। नहीं मेरे को तो बहुत कम लग रहा भैया नेट आज। मुझे भी हो रही सर। अरे तो मत पढ़ो यार, पढ़ लेंगे के क्या हो जाएगा बताओ, क्या बन जाओगे? ज्यादा सर रहने में। सर जूम एक घंटे का 80 MB नेट लेता है। जूम एक घंटे का 80 MB नेट लेता है। यस सर। सर ये चाइना का ऐप है सर, ये डेटा ब्रीच कर रहा है सर। यस सर। चाइना का ऐप है साला, कुछ तो चल रहा है चाइना का। अरे सर ये सर यूएस है सर, इसी को तो नहीं चलाना चाहिए सर। यूएस का है सर, चाइना का है। बस इसको सर, चाइना ने बस इसको अफोर्ड किया है। पता, वैसे चाइना का चीज नहीं चलाना चाहिए, वैसे ये चीज गलत है। अगर चाइना का जो है, अरे सर गूगल मीट भी आ गया सर। सर गूगल क्लासरूम भी है सर, ऐप उसका है अमेरिका। गलत है, ये तो बहुत बुरा लगा सुन के। सर कैम स्कैनर भी है, चाइनीज है। सर तक कैम स्कैनर यूज नहीं करना, अंकित गुस्सा हो जाएगा, नहीं तो तुमसे पकड़ के मारेगा। हाउ सर, कैम स्कैनर यूज नहीं करना। ओके सर। सर अगर चाइना ऐप हटाने हैं सर, तो फिर एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, रिमूव चाइना ऐप्स। कौन सा बेटा? रिमूव चाइना सर, वो गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया। जीरो नहीं आ रहा सर, टू आ रहा सर रिमाइंडर। मैं कह रहा जीरो आना चाहिए सर। कितना आ रहा सर वैसे? चलिए इसको करके देखते हैं, पहले आता कि नहीं आता, ठीक है? जरा देखते हैं। पहले अपन ने क्या किया, क्या कहेंगे बताओ? उसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 5 करके देख लो। एक्स का क्यूब और एक्स का स्क्वायर क्या होता है? एक्स की पावर 5। तो इसके बाद एक्स स्क्वायर का इसमें किया -3x³ माइनस का 3x³, ठीक है? प्लस एक्स स्क्वायर का इसमें किया प्लस का एक्स स्क्वायर। काटा पीटा
क्या आ जाएगा? माइनस का फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस का प्लस थ्री एक्स क्यूब तो माइनस का एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स क्यूब प्लस में थ्री एक्स प्लस वन. अब क्या करेंगे? माइनस वन से मल्टीप्लाई है ना, क्या हो जाएगा? यस सर. माइनस का माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस का हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस वन. ठीक है, और टू आ गया हो जाएगा टू. हो गया सबका भैया? आप तो आगे रिमाइंडर टू आ जाएगा. जी सर. हाँ तो सर जीरो कहाँ आ रहा? मेरा भी तो टू ही आ रहा था. बस फिर वही तो मजाक कर रहा था तुम लोग से, तुम मेरा कॉमेडी नहीं समझते. सर मैंने पूछा ही भावनाओं को. क्वेश्चन थर्ड वाला देखो. थर्ड क्या है? क्वेश्चन लिखेंगे आराम से. Obtain all other zeros of 3x to the power 4 plus ka 6x cube minus ka 2x square minus ka 10x minus 5 if 2 of its zeros are root mein 5 by 3 and minus root mein 5 by 3. जी है भैया क्वेश्चन. ठीक है, हाउ टू डू सर? तो अब क्या कर, क्या 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 हो गया? कैसे करें? इफ टू जीरोज आर दिस, तो अगर मैं x इज इक्वल टू लिख दू रूट में 5 बाई 3 और x इज इक्वल टू लिख दू माइनस का रूट में 5 बाई 3 लिख दू, ऐसे चलेगा ना? दोनों को चलेगा सर. x में माइनस का रूट 5 बाई 3 और एक बार x प्लस में रूट का 5 बाई 3. तेरे तो आप उल्टा चलने लगे. x स्क्वायर माइनस का 5 बाई दोनों वो जीरो हो जाएंगे ना. ठीक है, x स्क्वायर माइनस का 5 बाई 3 इससे जो आया निकल के तुम्हारा चाहिए इससे इसको डिवाइड करना है. तो मुझे दिया हुआ है ऊपर, समझ में आ रही बात? ये निकालने के लिए दिया हुआ था तुमको. तो x स्क्वायर माइनस का 5 बाई 3 यही लिखेंगे अपन. अब इससे करेंगे डिवाइड. हो गया सर. देखो अगर हो जाए तो ही बताया करो मेरे को, नहीं तो मैं चेक कर लिया. हाँ सर बिल्कुल. हाँ बैंड बजा दूंगा ही तो मैं. बिल्कुल सर बजा दें. 3x की पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 जी क्वेश्चन है. सर जी कैसे करेंगे सॉल्व? हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व? हो जाएगा सर. देखो अंकित को हो रहा है, होना नहीं हो रहा सर तक. क्या नहीं हो रहा? नाक कटा दी सर. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो अपना डिवाइजर है. वही करना है, निकालो ना इसको, सॉल्व करो बस. सार्थक अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो बस दोस्ती खत्म. अरे सर ऐसा नहीं कहिए सर, इतना अशुभ नहीं कहिए सर. तो पहले सॉल्व करो उसको, हो जाएगा कुछ नहीं है उसमें तो. डर लग रहा है उसका फैक्टर में देख के. कुछ नहीं है, सॉल्व करो. अरे सर हो जाएगा सर, हो जाएगा. करो तो करो, सब करो भैया सॉल्व. शिखर हुआ? शिखर नहीं अभी नहीं हुआ. कहे ओके ये दोस्ती
सर गाने बहुत अच्छे गाते हैं सर ऐसे ऐसे गाने व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेजिए सर थोड़ा सा पता रिलैक्स हो जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार रिकॉर्ड करके डालिए सर बिल्कुल बिल्कुल स्वयं हो गया वेरी गुड स्वयं क्या आया जरा बोलना अरे सर रिमाइंडर बताए रिमाइंडर जीरो आया होगा तो जी आएगा बेटा स्वयं जी आया ना बेटा स्वयं यस सर जी आया यही आया इसको थोड़ा सॉल्व कर लो जी आ गया तो इसके फैक्टर निकाल लो उसने क्या बोला स्प्लिटिंग मैटर से स्प्लिटिंग से नहीं नहीं वो स्प्लिटिंग मेथड से हाँ स्प्लिटिंग से फैक्टराइज मेथड से निकाल लो उसके फैक्टर क्या निकाल लिए सर निकाल लिए 3x + 3 क्या 3x + 3 और सर सेकंड ब्रैकेट में x + 1 आएगा क्या आएगा बेटा सर यस सर हाँ सर हाँ बेटा सर नहीं सर ये नहीं है x equal to minus 1 है और फिर एक मैं निकाल रहा उसको बोल रहा तो दे सर ऋषि कुछ बोला ऋषि क्या बोल रहा बोलो बेटा सर मुझे समझ में नहीं आया कैसे करना सर ये यही है सर ये कर लिया ये कर माइनस लिया -1 है एक मिनट रुक तो जाओ यार ये कर लिया ऋषि सर ये तो समझ में आ गया सर ये तो आता है ना सर ऊपर वाला नहीं आया सर क्या जी समझ में नहीं आया तो अरे सर ये समझ में आ गया इसके ऊपर वाला समझ में नहीं आया ये समझ में नहीं आया अच्छा यस सर इसे कैसे डिवाइड करें सर करते हैं अपन कैसे करेंगे भैया मैं भूल गया मैं तो करने भूल गया अच्छा एक काम करते हैं इनटू करते हैं इसका अभी नहीं ऐसे नहीं आंसर लिख के नहीं करेंगे आंसर पहले हटाएंगे अपन ठीक है x = -1 तो अब हम क्या करेंगे किससे करें भैया जी 4 आ जाए तो 3x² से कर दो तो 3x^4 आ गया और इधर करेंगे तो क्या आएगा बताओ माइनस का 5/3 है इंटू में 3x² से करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया -5x² हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे -5x² ठीक है और यहाँ पर जो कट गया अपना ये जो है 6 की हो जाएगा और माइनस का 2x² माइनस का 5x² तो माइनस का 2x² प्लस का 5x² तो प्लस का 3x² हो जाएगा प्लस का 3x² ठीक है होगा और माइनस का 10x -5 अब किससे करेंगे बताओ भैया अब किससे करें बोलो बोलो टेल टेल x से करते हैं 6x से 6x से कर देते हैं क्या हो जाएगा 6x³ हो गया 6x³ इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5/3 इनटू में 6x -10x माइनस का 10x ठीक है तो यहां कहां लिखते हैं ये माइनस का 10x यहां लिख दिया -10x ये कैंसिल होगा दोनों क्या आएगा 3x² माइनस का 5 अब किससे कर दें 3x 3 से कर देंगे -3 +3 सब +3 +3 से करिए देखो तो +3 का हो जाएगा 3x² और माइनस का -5 -5 सर आपने सिखा दिया थैंक यू सर माइनस का 5 ठीक है जो आप देख लिया तो ये 0 आ गया डन सर ठीक है कर लिया सर हमारे पास जो आ गया है तो जब जी आ गया तो फिर बस अरे यार बहुत नाटक करता है पैर यार अब रबर दे दे भैया मेरे को इसको हटाने के लिए अब जब ये आ गया ऊपर का तो फैक्टर कर लो उसके अगर कर लिए सर फैक्टर करो कर ले -1 -1 आ रहा सर कैसे आ रहा -1 अपना मुझे तो नहीं सर मिड टर्म स्टेट करके सर -1 आ रहा सर 3 को पहले आज तक सर पूरी इक्वेशन को पहले डिवाइड कर दो x² + 3x + 3x + 3 हां सर x + x + 1 कहाँ आ रहा 3 + 3
तो पता नहीं कहाँ से आ रहा सर। सर अपन ने तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया पहले ही। बस वही तो मैंने कर दिया, शॉर्ट काम करते हैं। जी सर मैंने भी ऐसे ही किया। क्या करूंगा इतना लंबा करके यार, जब छोटे में काम चल रहा है। लास्ट में ब्रैकेट के बाहर सी आ गया, सी तो x प्लस वन, तो ब्रैकेट क्लोज तो x प्लस वन ब्रैकेट। यस सर मेरा भी ऐसे ही आ रहा है सर। कैसे आ रहा? ने 3 से डिवाइड नहीं किया। अरे यार जब कान ब्रैकेट में 3x प्लस 1, देखो अंकित का अंकित 3x प्लस 3 आ रहा है और दूसरे में x प्लस 1। देखो भैया अगर अंकित का गाना नहीं सुनना हो तो चुपचाप कर लिया करो, ठीक है? अंकित बढ़िया गाना गाता है सर। गिटार बजाना सर। अरे यार अंकित कोई परेशान तो नहीं कर रहा है? इंटरनेट नहीं आ रहा अच्छे से। नेट नहीं आ रहा? नेट को तुम आ जाओ, नेट तुम्हारे पास नहीं आ रहा, नेट के पास तुम चले जाओ। टावर के बगल में बैठ जाओ। चलो यार आगे चलो। सबको आ गए मतलब कोई दिक्कत तो नहीं भैया? हाथ तो उठा दो, कोई दिक्कत हो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कर दूंगा मैं। सर बस एक दिक्कत है सर। शिखर बेटा बोलो। हाँ सर, तो हम लोग जो चीज स्टार्टिंग में डिवाइड किया था वो लास्ट में डिवाइड कर सकते हैं? क्या यार क्या कहती है, मतलब लास्ट में डिवाइड कर सकते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे? आपने थ्री को स्टार्टिंग में पहले ही डिवाइड कर दिया था। एक मिनट, हाँ बोलो क्या कह रहे? हाँ यार वो तो सब एक ही बात है, मैं कह रहा कान यहाँ से पकड़ो, घुमा के पकड़ लियो तो पकड़े ना यार, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। ये थोड़ा सिंपल हो गया, मैंने सिंपल बनाने के लिए 3 कॉमन लेके फेंक दिया उस साइड, है ना? तो मेरा काम बन गया भैया, आराम से मैं x प्लस x करके कर लूंगा, और वो ज्यादा बात बढ़ जाती उससे लड़ाई हो जाती, फिर टेंशन हो जाती सबको। वैसे मैंने कहा छोटी छोटी काम कर लो, छोटा छोटा काम अच्छा है बस, इसलिए। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 4, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब मैथमेटिक्स में 7 खून माफ है, बस खून कायदे से करे जाए, ठीक है? ऐसे नहीं कि कहीं से भी कुछ भी कर दिया, विद एविडेंस के साथ। डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 2। बेटा आज बहुत क्वेश्चन लग गए, ध्यान से देखो जरा, लग गए हंसी मजाक में सर? हंसी मजाक में लग गए क्वेश्चन? अरे यार चैप्टर पढ़ते जाओगे मजा आता जाएगा, बस बोर बेचारे आईसीएससी वाले बच्चे हो रहे मेरे से मैथ पढ़ने में, क्योंकि वो कोई सब लोग गुमसुम से बैठे रहते, पता नहीं क्या खा के आते, क्या खा लेते पेट में कुछ, खाना खाते खाते पढ़ते, बिल्कुल गुमसुम से बैठे रहेंगे आईसीएससी वाले बच्चे, बात ही नहीं करेंगे, पढ़ के बच्चे चुपचाप चले जाएंगे। और यहाँ से रोकना पड़ता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। यहाँ थोड़ा सा अपने बच्चे मतलब सिलेक्टेड बच्चे हैं झांसी के, ये बच्चे तिहाड़ जेल से लेके आया मैं, बहुत बेहतरीन बच्चे हैं। मेरा मेरे को शाम वाला बैच अपना बहुत एनर्जी चाहिए पड़ती इस बैच के लिए मेरे को। सबसे बड़ा तो वो कालिया कहाँ है हमारा, सार्थक सार्थक पक गया लगता, सार्थक कहाँ चले गए? है सर। अरे सर ये है, आपकी बात सुन के हंसी आ रही तो म्यूट कर लिया था अपने आप को। हमारा कालिया है, कालिया कालिया कहाँ है सार्थक? चलो सर पढ़ लो यार, ठीक है सर, कर लिया सॉल्व, कर लिया सर, कर लिया। हाँ 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, डिवाइड कर देंगे। अरे सर दे माइनस 2x प्लस 4 को, उसके बाद सर निकाल लेंगे। अरे एक मिनट रुक जा भैया, थोड़ा दम खा जा भैया, थोड़ा देर रुक जा, पता है मुझे तो सब पता है।
सर एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। नहीं सर बताऊं? ना बताओ या पूछो, जो पूछना है पूछ लो। सर इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे उसी से। वेरी गुड। हमारा वो कालिया कालिया तो बोला टू से डिवाइड करेंगे। कहाँ है? हो गया। अरे सर संगीतकार सुनो यार, ऑन डिवाइडिंग दिस वाज द पॉइंट ऑफ एलसीएक्स। ठीक है, द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस। भैया इसको रख दो उसी तरीके से जैसा दिया हुआ है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। बस उसी फॉर्म में रख दो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। सर इधर डिवाइजर को अपन जी ऑफ एक्स ही रखें या फिर एक्स रख लें, लेट कर लें? ऐसा मतलब जी एक्स रखो भैया, जी एक्स ही रखो आप। ठीक है, प्लस में रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है, ये डिविडेंड क्या है इसमें? क्वेश्चन जी है, रिमाइंडर जी है। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ये मिल गया, यही है हमारे बीच में। डिवाइजर कौन सा है? जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्वेश्चन का मर रहा है, एक्स माइनस टू, माइनस का टू एक्स प्लस फोर। अब आप कैसे करेंगे सर? गलत हो गया, प्लस है। कौन है प्लस में? अरे सर रिमाइंडर। सर रिमाइंडर भाई मेरे को फिर से बोलना जरा, मेरे पास गलत क्वेश्चन हुआ हो सकता। बोलिए बोलिए जरा क्वेश्चन, बोलिए सही लिखा क्वेश्चन, सही लिखा जरा क्वेश्चन चेक करिए वहां पर। अरे सर आपने सॉल्यूशन, अरे प्लस में लिख दे रहा हूँ यार। यार भावनाओं को समझो यार, मल्टीप्लाई लगा दिया ना इसलिए अलग ही बन जाती है। बराबर बराबर सर समझिए। अरे सर भावना को जाइए, कुछ नहीं कह रहे थे सर। सार्थक आज तक कल तक सार्थक का कोई सार नहीं है ना, इसलिए वो थकता नहीं है। चलो आप लोग भी वही लग रही है, हम लोग भी लगाते हैं सबका साथ लगा लिया सर, सबका साथ सबका विकास। मोदी तो बोल गए अब विकास साथ में ना हो। सर डिवाइड कर दो x माइनस टू से उस साइड में, बस कर दो, बस वही काम रह गया। कुछ तो नहीं रह गया, कुछ रह तो नहीं गया अभी तो। इजी है सर, ये बात पुराण निकाल के खा लोगे तुम। सर डाउट है सर। हाँ डाउट क्या है बोलो सर? इसका पर सर लेमा से क्यों सॉल्व करा? अरे ऊपर क्वेश्चन दिया हो बेटा इस तरीके से, देखो जरा ऑन डिवाइडिंग दिस बाय पॉलीनोमियल पूरा तो लिख रहा वो बेटा, ऐसे लिखो देखो डिवाइडिंग लिखो क्वेश्चन, इसको लिख दो बेटा रिमाइंडर, इसको लिख दो तो हम इससे जीए सारा का नहीं निकाल लेंगे लेमा से। बताओ सर पूरा सामने सामने समझा के दिया है उसने, पूरा दे दिया कि भैया तुमको ऐसे करना है तो करेंगे अपन ऐसे। हां सर आ गई सर। हाँ सर ठीक है। सर सर एक चीज और पूछनी। हाँ भाई एक चीज पूछो। सर जैसे सर अभी तो सर अपन लोग गेट टुगेदर हो नहीं पा रहा है, तो सर कुछ वर्चुअल पार्टी होगी क्या कोचिंग में? वर्चुअल पार्टी कोचिंग में तो मतलब समोसा खुद का खरीदना, खुद ही खाना घर पे बैठ के ऐसा? नहीं सर ऐसा नहीं सर, गाना सुनाने की पार्टी सर। अरे यार मतलब समोसे कचौड़ी घर पे बैठना, घर पे खा लेना और बस पार्टी कर रहे। दुकाने का खुल नहीं सर। सर किस चीज की पार्टी? सर किस चीज की पार्टी? अरे वो बोल रहा ना सार्थक कि सर पार्टी आर्टी कुछ होना चाहिए ऐसा, मतलब मैंने कि घर पे कुछ समोसा खरीदे होगी और कुछ ज्यादा कुछ खरीद लिया या पिस्टी एस्टी, तो वो मस्त तरीके से हमारे मुँह में पानी आ रहा है उसको देख के। बस ऐसी पार्टी सर अभी एक महीना कोचिंग हुआ सर और पार्टी होना शुरू हो गई सर। यस सर। अरे सर सर हम लोग क्लाइमेट सर, सर मेरी बात सुनिए सर। सर हम लोग क्लाइमेट सर हर रोज पार्टी ओटीटी। अच्छा सर हम लोग क्लाइमेट सर बहुत ज्यादा पार्टी ओटीटी, आखिरी पीरियड में बढ़िया चिप्स कोल्ड ड्रिंक कुरकुरे पीछे बैठ गए सर। अच्छा बस सर इतना मजा आता था सर। अरे सर चुगली का टीम थी सर। सुनो तो हमारे टाइम में हम लोग क्या करते थे भाई, इतना बजट नहीं रहता था तो हम लोग रास्ता वगैरह
का एला वो करते थे, रसना बनाते थे उस टाइम रसना, ठीक है। 2000 कितने की बात है, 2001 की बात है। हम क्या करते थे, अपने घर से चीनी ले आते थे शक्कर, हैं, हमारे कुछ दोस्त रसना की पैकेट ले आते थे और कोई बोतल में ठंडा, मतलब बोतल ठंडा मतलब वो नहीं होता, फ्रिज में रख देते बोतल को, तो बोतल उठा लेते थे फिर जमी जमाई बर्फ की, तो बढ़िया बना देते थे, रसना पीते थे बढ़िया बना, ऐसी पार्टी करते थे। सर 2001 की बात कर रहे हैं सर, 2001 की सर, तब मैं -4 का था सर। -5 यार, माइनस में चलेगा तो बच्चों, तो यार 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 प्लस में आ जाओ, इसका इंटू करो, ठीक है ना। प्लस 7 रिमाइंडर आ रहा सर, क्या आ रहा, 7 इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर से करेंगे तो x का क्यूब, और इधर करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, है ना, काट दो उसको, कट गया जी, क्या हो जाएगा, माइनस का 3x बेटा रुक जाया करो, इतनी भयानक आवाज निकलनी, क्या जरूरत है, सर सोम का गिटार चालू हो गया, सोम का गिटार, अरे गिटार बजना जरूरी है कि सर इसको रफ में करना पड़ेगा, क्या क्या मतलब, तो रुक जाया करो, अगर नेटवर्क नहीं आया तो रुक जा, पता ऐसा लगता है कि बस कोई, सब मेरे को क्या मालूम नेटवर्क आ रहा नहीं आ रहा, मेरे को आवाज नहीं आ रही सर, सर पार्टी में ऐसी गिटार बजवाना आप, चलो ठीक है आगे करें, इसके आगे क्या कर सकते भैया, अरे सर आपने जवाब नहीं किया, क्या कहा बेटा, सर ये जो आप सर डिवाइड कर रहे हैं इसको अपन को रफ में करना है ना, रफ में क्यों करना, फेयर में करना है, सामने होने की एग्जाम के बिल्कुल सामने, बिल्कुल आंखों के सामने, चश्मे के बिल्कुल नीचे, समझ रहे, चश्मे के नीचे सर, आ गया क्वेश्चन, सर 8 आ रहा, कैसा आ रहा, पूरा कट है सर, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, माइनस x आएगा ना, तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, इससे करोगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना क्यों परेशान हो जाते, तुम्हें समझ में ही नहीं आती, भावनाओं को समझ रहे थे सर, भावनाओं को, भावना समझो सर, तो बच्चा x माइनस 2 हाँ, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो वो x माइनस 2 आ जाएगा, तो जी आपका आंसर होगा बेटा, जी सर, डन सर, तो बेटा आपकी एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीट हो गई जी, हो गया सर, एनसीईआरटी के पॉलिनोमियल हंसते हंसते कंप्लीट कर ली अपन ने, ठीक है ना सर, खत्म पूरा एनसीईआरटी, खत्म एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो गया, यस सर, बाटों बाटों में सर, जरा देखो जरा अपनी कॉपी में सब कितने बुक में देख रहे हैं, एनसीईआरटी सब खत्म हो गए सर, 2.5x साइज ऐसा, ए वो सर 2.4 है, 2.4 2.4 रह गई अभी, एमसीक्यू है सर, सर ऑप्शनल है, ऑप्शनल ऑप्शनल है, वो भी करेंगे अपन, ऑप्शनल भी करेंगे, ऑप्शनल छोड़ेंगे सर, अभी आंसर बताया सर, है बेटा आरडी शर्मा, आरडी शर्मा ये कंप्लीट हो जाए, आरडी शर्मा उठाएंगे कार शुरू करेंगे, वो तो गई सर, एक मिनट मेरी बात सुनो, अभी मैंने इसके सिर्फ आपको क्वेश्चंस लगवाए हैं, अब इसमें मैं उठाऊंगा एग्जांपल जितने होंगे, ठीक है, उसके बाद फिर उठाऊंगा आरडी शर्मा को, फिर आरडी शर्मा के एग्जाम्पल जितने रह जाएंगे, आरडी शर्मा का एक बाकी है प्रूविंग, ये याद अच्छी तरह से करना है कंप्लीट, ठीक है ना, सर मैंने कुछ सर 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 को, हाँ बेटा सर, हाँ बेटा सर, इसमें अल्फा बीटा क्या दिया, वो यार कौन ने दिया अल्फा बीटा, एनसीईआरटी में, अरे क्यों देख रहे हो, मत देखो यार, अल्फा बीटा गामा थीटा लैम्डा लैम्डा बीटा मत देखो कुछ, आखिरी क्वेश्चन है 2.3 का, बहुत सही सर, बहुत अच्छे विचार है सर, मैं भी थक गया आज तो, मतलब थक नहीं गया, मतलब थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर,
थैंक यू सर। सर हाँ बेटा बोलो क्या क्या आपका डेट तो बता दो सर। बता देंगे थोड़ा क्या है, हम बिजी हैं अभी। क्या है मैं बता देता हूँ, मैं बिजी कहाँ पर हूँ। जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में थ्योरम है और सर्किल है, जो दो चैप्टर जो है ये एनसीईआरटी के बच्चे हैं नवोदय वालों के, ठीक है। मेरे को पूरे कंप्लीट कराना है 2-3 दिन में, और है इसमें पता कितने क्वेश्चन, 30-35 से 40-50 क्वेश्चन इसमें है, और 50 क्वेश्चन कुछ इसमें है, 50 नहीं कुछ 10-20 क्वेश्चन इसमें। तो बेटा कुल मिला के मेरे को बहुत लोड है थोड़ा, ये वाला ये कंप्लीट जैसे होता है नवोदय वाले खत्म हो जाएंगे जी ज्यादातर, फिर आप लोग का ये रहेगा ये चेकिंग वगैरह हो जाएगी, फिर मेरे पास टाइम हो जाएगा बेटा। अभी टाइम मेरे पास सीमित है, बिल्कुल टाइम बिल्कुल सीमित है। कॉपी तैयार रखना, मैं मांग सकता हूँ। हाँ सर, समझ सकते हैं सर, देखो टेंशन वाली बात नहीं है सर, टाइम सीमित है, टाइम की वजह से हो रहा है। सर एक बात और पूछनी थी सर, आरडी शर्मा में हमें वो एमसीक्यूज करने हैं। आरडी शर्मा में बेटा आप लोग के पास स्टडी मटेरियल आया है इस उस पे एडविजन के ऐप पे जीएल जीएल आरडी शर्मा सर। आरडी शर्मा में एमसीक्यूज हैं? हाँ सर हैं सर। सर सर कौन क्या पूछ रहा था, पूछो भैया। हाँ आनंद पूछो बेटा। पॉलिनोमियल कितनी देर में कंप्लीट हो गई सर? हाँ बेटा पूछो। सर मेरे पास अभी आरडी शर्मा नहीं है, तो सर मैं एमसीक्यू कहाँ से करूँ? एमसीक्यू एक काम करो ना, किसी से फोटो कर दूंगा। सर मेरे को व्हाट्सएप कर दूंगा, मेरे को व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ व्हाट्सएप कर देगा वो, सार तक वैसे हेल्पिंग नेचर है, हेल्पिंग नेचर सभी है यार। सर 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 एमसीक्यूज कॉपी में करना है ना सर? हाँ कॉपी में करना है, बिल्कुल करना है। द फिल इन द ब्लैंक्स भी है, शॉर्ट आंसर भी है, वेरी शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। वो सब कर लोगे आप लोग आराम से, ठीक है ना? आप लोग इतने काबिल हो गए हो कि आराम से कर ले जाओगे, भरोसा है मेरे को तुम लोग पे, आराम से कर ले। थोड़ा दिमाग सर, एक दो दिन का टाइम तो देना पड़ेगा। हाँ हो जाएगा कर लेंगे, ठीक है। चले फिर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर, थैंक यू सर, बाय बाय।